अंतोदय के प्रणेता, महान चिंतक विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी, श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, मोहसिन रजा जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस बोर्ड के अध्यक्ष श्री मनीष जी, पार्षद सुशील तिवारी जी, सरदार परविंदर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम अंत्योदय के प्रणेता, जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ कर किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो, आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए, यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग, कोरोना महामारी रही हो या उसके उपरांत, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय बन जाते हैं। इसी का परिणाम है 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। इसी का परिणाम है 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल जाते हैं।
इसी का परिणाम है 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होता है। यह जो दृष्टि है यह समाज को समग्र रूप से विकास के पथ पर अग्रसर करने, सामाजिक विकास के माध्यम से सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्र के समग्र विकास की रूपरेखा को आगे बढ़ाने का है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस विजन को जमीनी धरातल पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उतार करके एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। एक और जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आज जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहा है, पंडित जी की इस पावन जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता महाभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और मैं धन्यवाद दूंगा महानगर लखनऊ की टीम को, जिन्होंने लखनऊ के हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। आप सब इस बात को जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि चुनाव जिले में नहीं, संसदीय क्षेत्र के स्तर पर या विधानसभा के स्तर पर नहीं लड़ा जाता है, वास्तव में चुनाव का कुरुक्षेत्र होता है वह बूथ होता है। बूथ बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ अगर आपका मजबूत है तो चुनाव आपके पक्ष में है। और आज उस बुनियादी बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। यह सदस्यता महाअभियान का भी का क्रम निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, न केवल लखनऊ में बल्कि प्रदेश के सभी शासकीय 75 जनपदों में और संगठन के 98 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ने की होनी चाहिए, जिससे हम अधिक से अधिक उस व्यक्ति को जो भी भारतीय जनता पार्टी के मूल चिंतन मूल्यों और आदर्शों के साथ जुड़ा हुआ है, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के सदस्यता महाअभियान के अवसर पर लखनऊ की पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने आज यहां सदस्यता प्राप्त की है उन सबको भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अगर हम में से हर व्यक्ति तय करे कि हमें अपने टारगेट के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, तो वह निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लिए, देश के लिए, प्रत्येक बूथ के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने में कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज के इस अवसर पर इस स्वच्छता महाअभियान के लिए प्रदेश के सभी कोटि-कोटि कार्यकर्ताओं को, संगठन को और आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को मैं एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माता की जय। पंडित दीनदयाल जी अमर रहे, दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं इस मंडल के अध्यक्ष मानव बारिश को आमंत्रित करता हूँ आए और आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। भारत माता की जय। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में इस प्रांगण में उपस्थित उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और अत्यंत लोकप्रिय